नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं वैशाली। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के गजरौला में दो नवजात शिशुओं की मौत, तीसरे को किया मेरठ रेफर। परिजनों ने अस्पताल में जमकर काटा हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। आपको बता दें, गजरौला के मोहल्ला आजाद नगर में रहने वाले उस्मान का बेटा, जिसकी उम्र महज 4 दिन थी, दूसरा बच्चा पिंटू निवासी सियाली गोसाई, जिसकी उम्र महज 6 दिन थी, ये दोनों नवजात 3 दिन से गजरौला के बच्चा विशेषज्ञ डॉक्टर त्यागी के यहाँ भर्ती थे। आधे घंटे में ही दोनों बच्चों का शरीर काला पड़ गया और उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने मृत नवजात बच्चों को रेफर कर दिया, जिससे परिजनों ने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें बताया गया कि दोनों बच्चों की काफी वक्त पहले ही मौत हो चुकी है। तुम्हें किसकी लापरवाही? सर, एक बच्चे, इस बच्चे को देख कर तो हमें ऐसा लग रहा है बच्चा बिल्कुल काला पड़ गया, झलसा हो गया, बिल्कुल दवाई की लापरवाही, मतलब दवाई की लापरवाही, दवाई सही नहीं लगी, काला पड़ लगा शरीर में, काला पड़ गया। बच्चे को 3 दिन पहले आपको एडमिट करा था इनके द्वारा। किसके द्वारा? इसका नाम इनके द्वारा गजरौला में एडमिट कराया, इनका नाम मेरे ध्यान में आ रहा है, त्यागी का। फिर क्या हुआ? 3 दिन से ये बोले, 1 दिन भर्ती रहना, 2 बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 दिन के बाद में इन्होंने वो कर दिया, बोले हम बोले 1 दिन लाओ हमारा बच्चा दे दो, ठीक है। अब तो बोले नहीं, अभी और भर्ती रहना, फिर दूसरा दिन हो गया, फिर हमने 3 दिन का बच्चा दे दो जी हमारा, अब तो बच्चा ठीक है। और यार बोले नहीं, कहा जी मैं दूध तो दे दो बच्चे को हमारे, बोले अभी नहीं, जब उसका घर में डॉक्टर साहब नहीं बताएंगे जब तक नहीं दिए नहीं। लेकिन बच्चों के परिजनों ने जो आरोप लगाया है वो कह रहे कि दवाई लगने के बाद में, जब यहाँ बच्चा आया था तब ठीक था, उसके बाद में जो नीला पड़ा है। ये बच्चा तो मेरे यहाँ वो परसों से था, 2 दिन से एडमिट है, बच्चा तो ठीक ही चल रहा था। सुबह उसकी दिल की धड़कन बढ़ी है, तब मैंने उनको बताया है कि दिल की धड़कन बढ़ गई है बच्चे की, फीवर हो रहा है बच्चे को, 101 डिग्री उसे फीवर हो गया था। फिर वो ठीक हुआ, दवाई वाई लगवा के फिर जाँचे वाँचे भेजने के बाद में तब उसको दवाई बदली गई। दवा तो 1 बजे लगी है, उसके बाद तो बस मशीन चल रही है और बाकी अपने जो ग्लूकोज चलता रहता है वो चल रहा है। बच्चे की हालत 3 बजे बिगड़ी है। जैसे जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि आपसे छुट्टी करने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने उसे 2 दिन यहाँ पर रखा है, भैया ऐसा मुझसे बिल्कुल नहीं कहा। वो तो सुबह मेरे पास बच्चे का बाप खुद रिपोर्ट लेकर आया, उसने मुझसे रिपोर्ट दिखाने के बाद में मैंने उसे रिपोर्ट के बारे में सब जो है समझाया कि भाई ऐसे ऐसे स्थिति है। उसने तब भी मुझसे नहीं कहा कि हम अपने बच्चे को जो है कहीं और दिखा लें क्या, अगर वो कहते मैं तुरंत छुट्टी कर देता। अच्छा, जैसे आप कहें 2 बच्चों का जो, अच्छा कितनी उम्र थी इन बच्चों की? जो बड़ा बच्चा था वो पैदा हुआ था 3 तारीख में, शायद मुझे उन्होंने 3 में दिखाया, पहले ओपीडी में दिखाया था 3 में, फिर 4 में हुआ एडमिट हुआ परसों, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने वापस डॉक्टर त्यागी के पास पहुंचकर काफी हंगामा किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, मौके पर पहुंची पुलिस ने परिवार को समझाया। परिजनों का आरोप है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। त्यागी के यहाँ कुछ दिन पहले भी एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसका केस अभी तक चल रहा है। यहाँ आए दिन मौतें होती रहती हैं। सूचना लिखे जाने तक पुलिस तहरीर नहीं दी गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए प्रदीप कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।